केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम सुनते ही आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यह बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है जहां पे बहुत सारे रिएक्शंस मेमोराइज करने होते हैं आप में से कुछ लोगों को यह भी लग रहा होगा कि इसका आपकी लाइफ में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ही नहीं मी टेल यू आप बहुत गलत हैं। इन समथिंग एज सिंपल एज चाय बनाना जो आप अपनी जिंदगी में रोज करते हैं अब मैं दिखाना चाहता हूं कि कितनी केमिस्ट्री लगती है इनफैक्ट केमिस्ट्री की वो चीजें लगती हैं जो आप अगले दो साल में पढ़ने वाले हैं सो लेट लेटर्स गेट डाउन टू मेकिंग चाय एंड फिगर आउट कि केमिस्ट्री में आपके लेसन से इसका क्या लेना देना है तो चलिए देखते हैं चाय बनाने के प्रोसेस में जो अलग अलग स्टेप्स हैं उसमें केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट कहां लगते हैं द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली आप लाइटर से गैस को जलाओगे जिससे फ्लेम आएगा वेन यू टर्न द नॉब ऑन जो गैस निकलता है वो हाइड्रोकार्बन होता है

तो हमने देख लिया है कि चाय बनाने की शुरुआत में ही इतने सारे कॉन्सेप्ट लग गए लेटेस्ट सी आगे के प्रोसेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के तो चलिए अब एक्चुअली चाय बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं चाय बनाने के लिए हमें एक यूटेंसिल की जरूरत है इस यूटेंसिल के दो कंपोनेंट से एक है एक मेटालिक पार्ट और दूसरा वो जो इसका हैंडल है मेटालिक पार्ट किस मटेरियल का बना है बनाए डिक्टेटेड बाय अ लेसन कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम आगे पढ़ने वाले हैं और ये जो हैंडल है ये एक पर्टिकुलर पॉलीमर का बना है जिसकी वजह से इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो हीट से इंसुलेशन इंसुलेशन प्रोवाइड करती है तो अब इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करता हूं एंड लेट लेट द वॉटर स्टार्ट बॉइलिंग पानी का जो बॉइलिंग है इसको समझना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिन और ये हम स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के एक लेसन में पढ़ेंगे सो so, चाय बनाने की अगली स्टेप है इज टू एड फाइन टी पार्टिकल्स टू दिस वाटर अगर आप टी पार्टिकल्स को नोटिस करें उसमें फाइन ग्रेन्स हैं और उन फाइन ग्रेन्स को जब मैं ऐड करूँ तो वो अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं और इंटरैक्ट करते हैं पानी के साथ लेट मी नाउ एड दिस टू वाटर जब मैं वाटर में एड करता हूँ आप देख सकते हैं कि इमिडिएटली उससे एक एक्सट्रैक्ट निकल रहा है जो पानी के साथ डिजोल्व हो रहा है सो दिस टेल्स एज अबाउट सॉल्यूबिलिटी जो चाय की कौन सी चीज है, तो है चाय आ, पानी में एंड दिस इज समथिंग विल स्टडी इन द लेसन इन सोलूशन सो अगला स्टेप है टू एड शुगर शुगर के क्यूब्स को आप नोटिस करें दे हैव अ वेरी फाइन ज्योमेट्री द रीजन उनकी ज्योमेट्री ऐसी हो पाती है समथिंग वी विल स्टडी इन अ लेसन ऑन सॉलिड स्टेट जो बताता है कि शुगर कैसे क्रिस्टलाइन स्टेट uh, में एग्जिस्ट करता है तो अब चाय ऑलमोस्ट बन चुकी है देर आर वेरी फ्यू स्टेप्स नाउ फाइनल स्टेप इज टू एड मिल्क इन टू दिस वॉटर दूध जो है दूध भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है केमिस्ट्री का दूध एक्चुअली एक लिक्विड नहीं होता इट इज समथिंग कॉल्ड एज अ कोलॉइड कोलॉइड आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस और इसके बारे में हम सरफेस केमिस्ट्री के लेसन में डिटेल में देखेंगे तो अब जब मैंने सारे इंग्रीडियंट्स को एड कर दिया है अब आई जस्ट हैव टू वेट फॉर द टी टू गेट फिनिश्ड नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आप केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे

क्यों आते हैं और ऐसे ये प्रोसेस क्या हो रहा है ये नाम के एक लेसन में हम देखेंगे तो अब हमारी चाय बन चुकी है बिफोर आई टेस्ट दिस वॉट आई वॉन्ट टू कंक्लूड बाई से छोटे से प्रोसेस में हमने देख लिया कि कितने सारे केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये तो बस चाय बनाने की प्रोसेस है There are many more changes जो आप अपनी daily life में use करने वाले हो, which involve chemistry. Chemistry is indeed an exciting subject and I hope you have fun studying. It. There are exactly six atoms. Now we will put x equals to pi by two, which gives us y equals to zero. Now over here, I filled this cone up to its brim.